नेक्स्ट इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे स्मॉल टॉपिक्स अबाउट लिटरल्स. व्हाट इज लिटरल्स इन जावा. जस्ट आपने देखा होगा किसी वेरिएबल्स के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू असाइन कर दे लाइक अ 10 22.5 कैरेक्टर ए लाइक दैट मींस एवरी वैल्यू इन जावा इज नथिंग बट लिटरल्स. मींस जावा के केस में जितने भी आप वैल्यू डायरेक्टली यूज कर दे इन द फॉर्म ऑफ एज अ कॉन्स्टेंट फॉर्मेट. जैसे 10 का मीनिंग वर्ल्ड में सभी प्लेसेस पर 10 ही होता है, इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है. तो 10 इटसेल्फ क्या हुआ एज अ लिटरल. सेम एज कैरेक्टर ए सिंगल कोट्स के फॉर्म में अगर आप कोई कैरेक्टर यूज कर देते हैं इसको भी नेम क्या दोगे जाए कैरेक्टर लिटरल लाइक दे. इस टाइप से जावा के केस में डिफरेंट डिफरेंट लिटरल्स अवेलेबल हैं. लिटरल इज नथिंग बट सिंपल वैल्यूज. वैल्यू इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और डेसिमल नंबर्स और बुलियन लाइक दैट. फाइनली लिटरल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. लिटरल्स इन जावा 4 कैटेगरीज के हैं इसमें. फर्स्ट वन न्यूमेरिक और नंबर्स रिलेटेड टू नंबर्स रिलेटेड टू और वी कैन सी कैरेक्टर लिटरल. फर्स्ट वन नंबर लिटरल और न्यूमेरिक लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, बूलियन लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल्स और वी कैन सी स्ट्रिंग लिटरल्स. तो जस्ट सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट न्यूमेरिक लिटरल. न्यूमेरिक के केस में आपको पता है नंबर्स टू फॉर्म में होते हैं, इंटीजर फॉर्मेट और रियल फॉर्मेट. तो इस केस में नंबर्स के केस में न्यूमेरिक लिटरल्स को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है एज अ इंटीजर लिटरल और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. मैं इस केस में मेंशन कर रहा हूं एज अ डेसिमल लिटरल्स और फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स रियल नंबर्स. फ्लोटिंग लिटरल्स लाइक दैट. अगेन इंटीजर लिटरल्स की बात करें तो इंटीजर लिटरल्स भी अगेन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं. मीन्स जावा के केस में अगर आप कोई नंबर राइट करें लाइक अ 15 तो 15 को राइट डाउन करने के आपके पास टोटल 3 अप्रोच है. 15 या तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में राइट डाउन करोगे या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सेम 15 को अगर मैं मेंशन करता हूँ डायरेक्टली 15 तो डिफॉल्ट केस में से फाइनली 15 का टाइप क्या इटसेल्फ है इंटीजर. लेकिन इंटीजर इटसेल्फ 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अगर मैं सेम 15 डेसी ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ देन इसको स्टार्ट कैसे करो 0 1 5. अगर कोई भी इंटीजर नंबर 0 से स्टार्ट होता है देन इसके साथ इसको नेम देंगे, नेम असाइन करेंगे एज अ ऑक्टल लिटरल. बाय डिफॉल्ट डेसिमल इंटीजर लिटरल, डेसिमल मींस डेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल लिटरल्स आर स्टार्ट विद 0x. अगर कोई भी इंटीजर नंबर 0x से स्टार्ट होता है देन इस पर्टिकुलर केस में नेम देंगे एज अ हेक्साडेसिमल लिटरल. तो फाइनली इंटीजर लिटरल कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, ऑक्टल इंटीजर लिटरल, डेसिमल इंटीजर लिटरल और हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के केस में ओनली सिंपली डेसिमल, फ्लोट लिटरल और डबल लिटरल्स. सार के सब क्वेश्चन है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी पर्टिकुलर लिटरल का टाइप क्या. वन बाई वन डिस्कशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. अगर कोई भी लिटरल है कोई भी इंटीजर नंबर, सबसे पहले मैं बात करें अबाउट इंटीजर लिटरल. एनी इंटीजर नंबर स्टार्ट्स विद 0 इज नथिंग बट ऑक्टल लिटरल. लेकिन आपको बता होना चाहिए ऑक्टल के केस में वैलिड डिजिट्स क्या होंगे, ओनली बिटवीन 0 to 7. तो अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर 0 से स्टार्ट करते हो देन इस केस में नंबर के अंदर पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे, ओनली 0 to 7. अगर मैं यूज करता हूँ इस केस में 18, इट इज इनवैलिड बिकॉज 0 मीन्स ऑक्टल. इसे स्टार्ट किस से रहा हो 0 से, तो उसके साथ इसको कंसिडर किया जाएगा एज अ ऑक्टल लिटरल. लेकिन ऑक्टल में कभी 8 को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल. क्या होगा कंपाइल टाइम एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज स्पेशली यहाँ रखना है. इस केस को मैं अगेन हाईलाइट करूंगा ड्यूरिंग इंटीजर डेटा टाइप्स एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर टाइप्स. क्या होगा इस केस में इंटीजर नंबर टू लार्ज कंपाइल टाइम एरर्स. सेम है डेसिमल लिटरल के केस में ओनली डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट कंसिडर क्या करेंगे डेसिमल 2500 लाइक दैट. इस केस में 0 और 9 के बीच में कोई भी डिजिट यूज करना पॉसिबल है. हेक्साडेसिमल के लिए वैलिड डिजिट्स क्या होंगे 0 to 9 एंड A to F. याद रखना A to F अपर केस में भी ले सकते हो और स्मॉल केस में भी लेना पॉसिबल है, डजंट मैटर. लेकिन स्टार्ट किससे होगा 0x से, लाइक 0x 15
a valid, same as 0x15 capital A also valid, 0x like a face it is also valid number. इसका decimal number आप खुद से convert कर सकते हो, लेकिन इस case में start किस हुआ 0x है, तो उसको consider करेंगे जब hexadecimal literals, same as floating point literals, hexadecimal, integer literal में एक और केस रहेगा एज आर लॉन्ग. लॉन्ग के केस में अगर कोई भी इंटीजर नंबर आप कैपिटल एल या स्मॉल एल के साथ क्वालिफाई करो, यानी इस केस में इसका टाइप क्या हुआ एज आ लॉन्ग. क्लियर. फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स मीन्स लाइक अ नंबर कंटेनिंग डेसिमल पॉइंट्स, इज नथिंग बट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, 1.0, 2.5, 2.5 एफ फ्लोट, 2.5 कैपिटल एफ ऑल्सो फ्लोट. बाई डिफॉल्ट केस में क्या रहेगा डबल, 2.5 डी एच डबल लाइक दैट. देन कैरेक्टर लिटरल्स, एनीथिंग एनी सिंगल कैरेक्टर एनक्लोजिंग इन साइड सिंगल कोड इज नथिंग बट कैरेक्टर लिटरल. कैरेक्टर लिटरल को सिंगल कोड में भी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है और हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, लाइक 41 और 0x0041. क्लियर. और यूनिकोड लिटरल एज 0 U, small u और capital U, 0041. इस यूनिकोड लिटरल में स्पेशली याद रखना, जैसे इस केस में 41 से पहले मैंने कोई डिजिट सप्लाई नहीं किया है. जावा के केस में कैरेक्टर का साइज क्या है 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स. हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स से रिप्रेजेंट क्या होता है सिंगल डिजिट, मीन्स 4 बिट बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट क्या होगा सिंगल डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल. अगर आपके पास किसी भी की पर्टिकुलर केस में कैरेक्टर के केस में टोटल बाइट्स कितने हैं 1 byte एंड प्लस 1 byte मीन्स 2 bytes, इनमें टोटल बिट्स कितने होंगे 16, तो इनको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 bits, 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 4 bits,
इस केस में हेक्साडेसिमल के पर्टिकुलर केस में निबल कितने डिफरेंट हो रहा है, जैसे 8 बिट के कॉम्बिनेशन को नेम देते हैं जब बाइट, सिमिलरली हेक्साडेसिमल के रिस्पेक्ट में 4 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन को नेम दोगे जाए निबल, मींस फाइनली 16 बिट्स में कितने निबल पॉसिबल हैं, 4 1 2 3 4। तो एग्जैक्टली अपने आप में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ द निबल वैल्यू। मींस अगर आप यूनिकोड वैल्यू स्लैश यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं मींस कैरेक्टर्स के लिए, तो उसके इसमें एग्जैक्टली यू के बाद एग्जैक्टली 4 डिजिट होना कंपलसरी है। अगर आप राइट डाउन कर दो लाइक दैट स्लैश यू 00 और ओनली 41, इट इज इनवैलिड, नॉट एक्सेप्टेड। सेम बुलियन के केस में लिटरल्स क्या हैं, ट्रू फॉल्स, दीज आर बुलियन टाइप ऑफ लिटरल। स्ट्रिंग एनीथिंग एनक्लोजिंग इन साइड डबल कोट्स इज नथिंग बट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकता है, स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी पॉसिबल, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी पॉसिबल। वन मोर केस, रेफरेंस लिटरल। जावा ने एक स्पेशल लिटरल इंट्रोड्यूस किया है, नल। नल क्या, रेफरेंस लिटरल विच कैन बी असाइन इन साइड रेफरेंस ऑफ एनी क्लास। मीन्स नल एक ऐसा लिटरल है जो किसी भी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन करना पॉसिबल है। वन मोर थिंग्स, अगर आपके पास कोई भी नंबर और वैल्यू अवेलेबल है, जस्ट मैंने डिस्कस किया था किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का टाइप क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन डेटा टाइप, बट सपोज दैट किसी एक्सप्रेशन में आपने डायरेक्टली वैल्यूज यूज किए लाइक दैट, देन इसके बेसिस पर आप कैसे आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेंड। तो इसके लिए मैं कुछ कन्वेंशंस बता रहा हूँ, इसके बेसिस पर आपके लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल है। फर्स्ट वन, अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर स्टैक्स यूज कर दो 10, 25,000, इसकी वैल्यू की रेंज कुछ भी डजंट मैटर, सेम है 0180x25 लाइक दैट। इस सारे के सारे केस इंटरनली इम्प्लिसिटली आप कंसीडर करो एज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। कहीं भी मैं इस टाइप से डायरेक्टली कोई इंटीजर नंबर यूज कर रहा हूँ, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाय डिफॉल्ट इस केस में वैल्यूज का टाइप क्या हुआ, इंटीजर। तो फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या है इस केस में, इंटीजर। सिमिलरली अगर कोई डेसिमल वैल्यू अपीयर हुआ है कंटेनिंग पॉइंट, इसके साथ बाई डिफॉल्ट इसका टाइप क्या होगा, फ्लोट और डबल, ऑलवेज डबल। इसे यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप लोगों में माइंड सेट रहता है इट इज फ्लोट वैल्यू, रियल केस में इसका टाइप क्या है डबल। तो यहाँ फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या है इंटीजर, सेकंड ऑपरेंड का टाइप क्या है डबल। अगर कहीं भी डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में डायरेक्टली कोई वैल्यू अवेलेबल देन डबल, और 2.5D इट इज ऑल्सो डबल। सिमिलरली अगर कोई डेसिमल नंबर स्मॉल एफ या कैपिटल एफ के साथ क्वालिफाई कर, वैल्यू और डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं,
देन इस केस में इसका टाइप क्या हुआ, फ्लोट लिटरल और फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। इस केस में इसको मैनिपुलेट करोगे एज अ फ्लोट रिप्रेजेंटेशन और टाइप ऑफ फ्लोट, इसका टाइप क्या हासिल करेंगे फ्लोट। सेम है अगर किसी भी इंटीजर नंबर के साथ आप कैपिटल एल या स्मॉल एल फॉलो करते हो, देन इस केस में इसका टाइप क्या हुआ लॉन्ग। मीन्स इसका डेटा टाइप क्या कंसिडर होगा लॉन्ग। डिफॉल्ट केस में डेटा टाइप क्या कंसिडर हो रहा है इंटीजर, इन दैट केस डबल, इन दैट केस फ्लोट, इन दैट केस लॉन्ग। एक केस आपको स्पेशली याद रखनी नीड होगी जस्ट नेक्स्ट केस में। अब जस्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू डेटा टाइप, इन एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नंबर सिस्टम, सॉरी एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग।